No. Hello, good morning students. No. Hello, good afternoon students. Namaskar. Welcome to our channel Skill Book. तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि हमने पहले शुरू किया था DC जनरेटर से, DC मशीन से, उनकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, वर्किंग पढ़ा हमने। फिर हमारा लेक्चर हमने कंडक्ट किया EMF इक्वेशन क्या होती है उस पर, उसको सारा डिराइव किया। फिर नेक्स्ट हमने किया टाइप्स ऑफ DC मशीन। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट है हमारा वो है आर्मेचर रिएक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ चुके हैं आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। तो अगर आपने नहीं करी तो इस वीडियो के नीचे मेरे सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे पुराने जो लेक्चर्स हमने लिए हैं पुराने टॉपिक्स के, तो पहले प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा और फिर ये वाला आप करिए जो हमारा नया टॉपिक है। और नया टॉपिक ये है कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और आर्मेचर रिएक्शन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ आर्मेचर रिएक्शन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। तो आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है जिसको कि हम क्या बोलते हैं GNA से भी हम इसको डिनोट करते हैं। देन हमने पढ़ना है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है जिसको हम लिख सकते हैं MNA, और कॉक्सक्रू रूल, कॉक्सक्रू रूल में हम क्या फाइंड आउट करेंगे ये हम जब पढ़ेंगे जब आपको पता चलेगा। तो कॉक्सक्रू रूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के किस चीज़ को इफेक्ट करता है और क्या होता है। तो चलिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है इट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स अंडर मेन पोल्स ऑफ जनरेटर। आपको पता है कि हमारे जनरेटर में जो मेन पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो ट्रेवल करती हैं हमारी साउथ पोल की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसकी अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स होती है हमारी जो। तो अब जब हम जनरेटर को एक्साइटेशन देते हैं तो आर्मेचर भी है हमारा, आर्मेचर के अंदर हमारे आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स में वाइंडिंग हो रखी है, ठीक है। तो उन कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो करता है तो एक आर्मेचर फ्लक्स भी जनरेट होती है। वो आर्मेचर फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करती है, ठीक है, वो जब उस पर इफेक्ट डालती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स इफेक्ट करती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, आर्मेचर रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि It is the effect of magnetic field produced by armature current on distribution of flux under main poles of generator। साफ साफ लिखा है इस पर कि जो main field, main flux की वजह से जो main field produce होती है उस पर जब हम एक्साइटेशन देते हैं तो आर्मेचर को करंट मिलता है, आर्मेचर को करंट मिलता है तो आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। तो वो फ्लक्स जब मेन फ्लक्स को इफेक्ट करती है तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्लियर है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर करंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स अंडर द मेन पोल्स ऑफ जनरेटर। जो मेन नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से जो मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होती है उस पर जब इफेक्ट पड़ता है आर्मेचर से प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड का, आर्मेचर करंट से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसका जब इफेक्ट पड़ता है मेन पोल्स पे, मेन पोल की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है उस पर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। अब इनके इफेक्ट क्या क्या हैं, ये हमारी मेन फ्लक्स को वीक कर देती है, इसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देती है, इसको डिस्टॉर्ट करती है, ठीक है, मेन फ्लक्स को हमारी डिस्टॉर्ट करती है ये जो हमारी आर्मेचर फ्लक्स होती है। सेकेंडली जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है, देखो जनरेटर मशीन में या जनरेटर में जो भी मेन हमारी वोल्टेज है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मेन वोल्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। तो ये भी एक हमारा इफेक्ट है, तो ये भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। दूसरी बात देखो, हम जनरली जब बात करेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस की तो मैं बताऊंगी उन पे क्या हम प्लेस करते हैं हमारे ब्रशेस। पहले बताया था मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे हमारे ब्रशेस रहते हैं जो कि कलेक्ट करके करंट कम्यूटेटर को देते हैं। तो कम्यूटेटर क्या करता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कम्यूटेटर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जो ब्रशेस हैं, जो ब्रशेस एमएनए पे लगे हैं वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे लगने चाहिए, लेकिन उनकी पोजीशन जो है हमारी चेंज हो जाती है एमएनए की, जिसकी वजह से जब हम बार बार उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे ब्रशेस की तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा। वो स्पार्किंग जो है वो कॉम्यूटेटर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब स्पार्किंग प्रोड्यूस होती हो तो अच्छी नहीं होती है स्पार्किंग, स्पार्क्स निकलते हैं, तो ब्रशेस को भी इफेक्ट पड़ता है उसका और कॉम्यूटेटर को भी इफेक्ट पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड, वो ठीक नहीं है। तो इस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कॉम्यूटेटर पर भी इफेक्ट पड़ता है और ब्रशेस पर भी इफेक्ट पड़ता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। ये EMF जो जनरेट होती है उसको वीक करती है। जब EMF जनरेट होती है जब तो आपकी जो मेन फ्लक्स है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, वो वीक हो रही है, जिसकी वजह से EMF को वीक होने की वजह से हमारी टर्मिनल वोल्टेज भी कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है वोल्टेज की, तो जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्मेचर रिएक्शन इज़ नॉट गुड। आर्मेचर रिएक्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से इफेक्ट क्या है ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस क्या है। तो GNA जिसको मैंने बोला है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, ये देखिए ये है आपकी, ये आपकी मेन फ्लक्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जो फ्लक्स जनरेट प्रोड्यूस हो रही है हमारे, ये है आर्मेचर कंडक्टर्स, जो ब्लैक ब्लैक मैंने लगा रखे हैं, ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर कंडक्टर। तो यहाँ लिख देती हूँ ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। ये भी आर्मेचर कंडक्टर है, ये भी आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, ये भी आर्मेचर कंडक्टर है, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिलहाल यहाँ पे। और ये है मेन फ्लक्स जो हमारी जनरेट हो रही है नॉर्थ पोल से साउथ, इधर मेन फील्ड फ्लक्स है जो कट कर रही है आर्मेचर कंडक्टर्स को। तो GNA क्या है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस क्या है, ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स पड़े हैं। आर्मेचर जो स्टेटर पे जो हमारी लाइन जो परपेंडिकुलर आ रही है ये हमारी फील्ड फ्लक्स है, मेन फील्ड, मतलब ये फील्ड पोल्स हैं, ये हमारे पोल्स हैं, इनकी वजह से जो जनरेट हुई है वो है फील्ड फ्लक्स। ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आप देख रहे हो, ये फील्ड फ्लक्स की जो फोर्सेज हैं इनको जब वे परपेंडिकुलरली कट करते हैं, जो एक्सिस स्टेटर को परपेंडिकुलरली कट करती है फील्ड एक्सिस, स्टेटर फील्ड एक्सिस को परपेंडिकुलरली जो कट करती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो GNA यही है, यहाँ पे कोइंसाइड दिखाया है, MNA भी इसी को दिखाया है, GNA भी मैंने इसी को दिखाया है, ये कोइंसाइड कर रही हैं। अब MNA क्या होता है, वो वाली एक्सिस जिसपे आर्मेचर कंडक्टर की वजह से कोई भी EMF जनरेट नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है द एक्सेस थ्रू विच नो EMF इंड्यूस इन द आर्मेचर कंडक्टर, वो एक्सेस जो ये एक्सेस है तो ये आर्मेचर कंडक्टर में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं कर रही। द एक्सेस थ्रू विच नो EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स, तो आर्मेचर कंडक्टर्स में कोई EMF जनरेट नहीं हो रही जिसकी वजह से उसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। तो इस पे ये कंडक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ दिखाए हैं आपको, आर्मेचर कंडक्टर्स, इन पे इस एक्सेस की वजह से कोई EMF जनरेट नहीं हो रही। तो वो वाली एक्सेस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस वो होती है जिस एक्सेस पे आर्मेचर कंडक्टर, जिस एक्सेस में जो एक्सेस कोई EMF जनरेट नहीं करती आर्मेचर कंडक्टर पे। the axis through which no EMF induced in the armature conductor. Such type of axis is known as magnetic neutral axis. Magnetic neutral axis. ठीक है, तो वो axis through which no EMF induced in the armature conductor. Such type of axis is known as magnetic neutral axis. तो आप देख पा रहे हो, अब प्लस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट. जहाँ डॉट नज़र आ जाए उसका मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट वो शो कर रहा है. ये प्लस यहाँ दिखाने का मतलब इसके इनसाइड, इसके अंदर जो है करंट घुस रहा है, और आउटवर्ड डॉट दिखाने का मतलब इससे बाहर जा रहा है. ये देखो, यहाँ से घुस रहा है करंट आपका, यहाँ से बाहर जा रहा है. तो ये इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है. इस वाले कंडक्टर में से करंट बाहर जा रहा है, इस वाले में से एंटर कर रहा है. तो प्लस दिखाने का मतलब ये होता है, साइन प्लस कंडक्टर के अंदर, कि जो करंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन है. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट मेनली दिखाते हैं हम इससे. डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट. चलिए अगले पे आ जाते हैं हम. तो देखिए, अगर हमने डिस्कस करना है आर्मेचर रिएक्शन को कि क्या है, इसके कैसे इफेक्ट्स हैं, तो हमें तीन केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे. फर्स्ट केस ये है जब हमारा जो मशीन है, जो हमारी, वो नो लोड पे है, मींस उस पे कोई लोड है ही नहीं. तो अगर कोई लोड नहीं होगा तो कैसा बिहेव होगा आर्मेचर रिएक्शन का, अगर लोड होगा तो कैसा बिहेव होगा. तो सारे केसेस डिस्कस करेंगे हम, जिनके कि तीन केसेस बनते हैं. तो पहला है व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू मशीन, मींस कि मशीन पे कोई भी लोड नहीं है, कुछ भी कनेक्ट नहीं हमने करके रखा. जब कोई भी लोड नहीं है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसमें मतलब कि जब लोड ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं दिया, कोई एक्साइटेशन नहीं है, करंट एक्साइटेशन की बात नहीं, जब कोई लोड नहीं है तो आर्मेचर की जो फ्लक्स है वो नहीं होगी. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कुछ भी जनरेट नहीं होगा. मींस यहाँ पे जो फ्लक्स है हमारी वो फील्ड कॉयल की वजह से है. ये फील्ड कॉयल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनकी वजह से जो है हमारी MMF प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स आ रही है. तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है आप देख सकते हो, देयर इज नो लोड. देखो ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे पहले मैं आपको बता दूं, ये हैं ब्रशेस. ब्रशेस जो हैं हम MNA पे अरेंज करते हैं, जो हमारे ब्रशेस हैं वो MNA पे लोकेट करते हैं, जो कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा ब्रशेस हैं जो हम लोकेट करते हैं, जब भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. और the brush always placed along the axis of MNA and hence the axis is called the axis of commutation. MNA पे लोकेट करने का वो है ताकि हमें कॉम्यूटेशन में हेल्प मिले. ब्रशेस का काम होता है कलेक्ट करना करंट को और देना कॉम्यूटेटर को, टू प्रोवाइड द पाथ, कॉम्यूटेटर की तरफ भेजना हमारा करंट. तो कॉम्यूटेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, AC करंट को DC में चेंज कर देता है. इसीलिए हम कॉम्यूटेटर लगाते हैं DC मशीन में. तो ब्रशेस हमेशा हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे अरेंज करते हैं. अब बात करते हैं, ये जो है हमारी फील्ड फ्लक्स है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो हमने ये कट करते जा रही है हमारे कंडक्टर्स को, दैट इज हमारी फील्ड फ्लक्स. तो इसमें आप देख सकते हो ये आर्मेचर के कंडक्टर्स प्लेस किए हुए हैं. ये कंडक्टर है, 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 ये कंडक्टर है. तो ये सारे कंडक्टर सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं. ये जो आपकी फ्लक्स है, ये इस साइड, ये इस साइड. तो फ्लक्स ने अपने आप को, फील्ड फ्लक्स ने सिमेट्रिकली अरेंज कर लिया यहाँ पे. तो यहाँ कोई आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट नहीं है जब हमारा जनरेटर या हमारी मशीन मींस की नो लोड पे है. जब हमारी मशीन कोई लोड पे नहीं है, करंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, करंट हमारे आर्मेचर को जा नहीं रहा, तो हमारी जो आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फील्ड फ्लक्स को कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नो लोड केस, जिसमें कि आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो सिमेट्रिकली अरेंज हो गई है. आप देख सकते हो सिमेट्रिकली है, तो हमारी ये MNA GNA सेम है, ये एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी. ये देखिए MNA भी यही है, GNA भी यही है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर है, और MNA भी. अब ये इसको क्या बोलते हैं ना, इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं, इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। इसके क्रॉस एमएमएफ, ये देखो क्रॉस करके इसको जा रही है, इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। सेंट्रल लाइन, पोलर एक्सिस मतलब सेंट्रल लाइन फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल, सेंट्रल लाइन जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के सेंटर को टच करती है बेसिकली। सो नॉर्थ एंड साउथ से जो लाइंस आ रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है दिस इज पोलर एक्सेस। तो जब ये जो केस था, जब हमने कोई लोड जो है मशीन पे नहीं लगा रखा, इसका मतलब है मशीन, नो लोड इज कनेक्टेड ऑन द मशीन, तो क्या होगा आपका सिमेट्रिकल अरेंज हो जाएगी जो फील्ड फ्लक्स है। इस फील्ड्स की वजह से जो फ्लक्स आ रही है, आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं हो रही। अभी जो फ्लक्स जनरेट हो रही है वो फील्ड की वजह से हो रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे सेकंड केस जो है हमारा, दैट इज आर्मेचर कंडक्टर कैरिंग करंट एंड नो करंट फ्लोज इन द फील्ड फ्लक्स। देखो अभी जो करंट है, जो फ्लक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि फील्ड की वजह से, ये जो पहले मैंने ऐसे ऐसे लाइंस दिखाई थी उनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर कंडक्टर्स में जो करंट है उनकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है। तो आप देख सकते हो इनकी एमएमएफ ने इनको जनरेट करके सारी फ्लक्स जो है वो डाउनवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। इधर भी इन कंडक्टर्स ने कलेक्टिवली जो है अपनी फ्लक्स एमएमएफ रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, नीचे की ओर क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखो ये जो है, ये इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस का मतलब, और डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहले तो बात करते हैं हम, ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो हम कैसे जान सकते हैं, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यहाँ यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स जानने के लिए राइट हैंड रूल, आप अपना राइट हैंड यूज़ करोगे, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये थ्री फिंगर्स हम ले रहे हैं, थ्री फिंगर्स जो हम ले रहे हैं, ये जो थंब है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, वो डायरेक्शन दिखाता है कंडक्टर की किस और डायरेक्शन है। जो ये है हमारी मीन्स इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड दिस विल टेल यू, जो हमारी ये वाली मिडल फिंगर है, दिस विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है। तो ये जो तीन फिंगर्स हैं हमारी, मान लीजिए ये आपका थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है। तो आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, थंब जो है वो कंडक्टर की डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और मिडल फिंगर करंट इन द कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या है। तो अगर हम बात करें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, तो मोशन ऑफ कंडक्टर आपका जो है वो थंब बता रहा है, ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। अगर मैं ऐसे देखूं, अगर इस साइड के कंडक्टर की बात करूं, तो कंडक्टर की डायरेक्शन ये है थंब, और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इनकी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस साइड पे है, इनवर्ड्स आ रहा है ना, देखो मेरी ओर आ रहा है, ऐसे देखोगे आप, ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो ये कंडक्टर है आपका प्लस वाला, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर जो है ये बता रही है आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो कि नीचे को है, देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो मेरी मिडल फिंगर है वो दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स ये आपको इधर से दिख नहीं रहा होगा, ये देखो ऐसे है ना, ये ऐसे हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को है। तो इस साइड इनवर्ड डायरेक्शन है आपका करंट का, करंट आपका इनवर्ड है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो ये ऐसा कुछ आएगा, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर जो कि ये दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऊपर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस आपका जो करंट है वो आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, तो आउटवर्ड फ्लो कर रहा है जब भी हमने डॉट साइन दिया है यहाँ पे, तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। अब कॉक्सक्रू रूल क्या होता है, कॉक्सक्रू रूल की बात करें कॉक्सक्रू रूल से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मिल सकता है। हमने कैसे लेना है, ये आपका मान लीजिए कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें हमने फील्ड जाननी है और डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे क्या है। अब देखो कॉक्सक्रू जो होता है ना उसको हमें फोर्स लगानी पड़ती है घुमाने के लिए, फोर्स जिस और लगाएंगे वो होगी आपकी फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड फ्लक्स। मान लीजिए हम लेफ़्ट टू राइट फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, स्क्रू ड्राइवर से उसको ऐसे घुमा रहे हैं, मींस कि लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की ओर घुमा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की ओर, तो ये आपका ऐसे ऐसे घूमेगा, लेफ़्ट टू राइट घूमेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम ये लगाते जाएंगे ये अंदर चलता जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, हमारा हाथ उल्टा घूम रहा है। तो कॉक्सक्रू रूल से जिस साइड हम फोर्स लगा रहे हैं वो होगी आपकी फील्ड फ्लक्स, और जिस साइड ये घूम रहा है आपका कॉक्सक्रू वो बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा है। तो इस साइड को आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आप करके देख सकते हो अपने घर पे। तो इस साइड अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, मतलब कि फील्ड फ्लक्स मेरी इस साइड है, इस साइड अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो हमारा जो करंट है वो ऐसे घूम रहा है, करंट मीन्स क्रू हमारा ऐसे घूम रहा है, जो कि बताएगा, जो कि क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मूवमेंट ऑफ कॉक्सक्रू विल गिव यू करंट की डायरेक्शन, और ये हमने जो लेफ्ट टू राइट घुमाया है ये है फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो कॉक्सक्रू रूल से आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगी। तो ये था कॉक्सक्रू रूल, ये था हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इन्होंने क्या किया है, रिजल्टेंट फ्लक्स इन्होंने कैसे दिए है एमएमएफ, इन कंडक्टर्स ने कोलैबोरेटिवली इकट्ठे होके अपनी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है एमएमएफ प्रोवाइड की है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लगा रहे हैं, ये भी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, तो इस पर भी, ऐसे केस में भी जब सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रही है उसमें भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी, आर्मेचर करंट की वजह से जहाँ फ्लक्स जनरेट हो रही है। तो इसमें फील्ड फ्लक्स है नहीं, आप देख रहे हो, तो सारी की सारी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, इन्होंने भी डाउनवर्ड लगा दी, तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये केस भी ठीक है, इस केस में भी हम नहीं कह सकते। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है, आप देख सकते हो फील्ड फ्लक्स की वजह से भी हमारा ये जनरेट हो रहा है, ये फील्ड फ्लक्स की लाइंस है, ये हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं। अब आप देख रहे हो जो आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से, जो मैंने पहले दिखाया, कुछ ऐसे डाउनवर्ड होती है जनरेट, ये ऐसे आ रही है आपकी जो सारी है रिजल्टेंट फ्लक्स जो आपको मिल रही है वो डाउनवर्ड मिल रही है, ये नीचे मिल रही है ना आपको। और अब बात करें इसमें, तो आपके इधर से इधर मूव कर रहे हैं जो मेन फील्ड फ्लक्स है आपकी, यहाँ से यहाँ, ये मेन फील्ड फ्लक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लक्स की वो डिफरेंट है। देखो ये जो इनकी वजह से, इन कंडक्टर्स की वजह से, ये तो हो गई फील्ड फ्लक्स, फील्ड की वजह से जो जनरेट हो रही है फील्ड फ्लक्स। अब आर्मेचर की वजह से जो जनरेट हो रही है वो हो जा रही है नीचे को, इन कंडक्टर्स की वजह से नीचे जा रही है फ्लक्स, इनकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। तो ये फ्लक्स इसको कट कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है मेन फ्लक्स को। ये वाली फ्लक्स, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन नीचे को है, तो ये इसको कट कर रही है और वीक कर रही है। कैसे? एक तो इनकी जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये जो आपका नॉर्थ पोल की जो ऊपर वाली, इसको बोलेंगे ये वाली अपर टिप, इसको बोलेंगे लोअर टिप। ये लोअर टिप है, ये अपर टिप है, ये लोअर टिप है। ये साउथ पोल की लोअर टिप है और ये साउथ पोल की अपर टिप है। अब साउथ पोल की अपर टिप में आप देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, फ्लक्स की डिस्ट्रीब्यूशन सारी डाउनवर्ड्स की ओर जा रही है। इधर भी आप देखोगे, इधर कंपैरेटिवली इसके ये भी, यहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब नॉर्थ पोल पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लोअर पे ज़्यादा है, यहाँ पे साउथ पोल पे कम है। तो हर जगह आप देख रहे हो ये अनसिमेट्री सी आ गई है, हर जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अनसिमेट्रिकल तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसकी वजह से जो मेन फ्लक्स है, वो जो डिस्टॉर्ट हो रही है, वीक हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो आधी फ्लक्स जा रही है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन को जा रही है, ये आपकी इस डायरेक्शन को जा रही है। तो आपकी जो रिजल्टेंट एमएनए की लाइन थी, जो एमएनए है वो शिफ्ट हो गया है यहाँ से इस साइड। ये यहाँ आपका एमएनए शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आपका MNA यहाँ शिफ्ट हो गया है, देख पा रहे हो आप। तो ब्रशेस भी आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ब्रशेस हमने वहीं रखने हैं जहाँ हमारा MNA है, ठीक है। नो EMF जोन में रखने हैं हमने ब्रशेस, जहाँ EMF जनरेट नहीं हो रही। मींस कि आपका ये वाला लाइन जहाँ ब्रशेस होते हैं वो उस लाइन पे होते हैं MNA पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे होते हैं। और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सी लाइन है? वेयर नो EMF इंड्यूस्ड थ्रो आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर में इसकी वजह से कोई EMF जनरेट नहीं हो गई। देखो ये वाली हमारी MNA की लाइन है, ब्रशेस भी आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये शिफ्ट होना ब्रशेस का, ये MNA का शिफ्ट होना इज़ नॉट गुड। इसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है, डिस्टॉर्ट होती है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। उसके डिस्टॉर्ट होने की वजह से हमें हमारे ब्रशेस को और MNA को शिफ्ट करना पड़ रहा है, जो कि अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो इसकी वजह से कॉम्यूटेटर में स्पार्किंग आ जाएगी, ब्रशेस में स्पार्किंग आ जाएगी, ब्रशेस ख़राब हो जाएंगे जल्दी, तो हमारी मशीन को ये हार्म पहुँचेगा। तो इस वजह से ये चीज़ों को कम, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मशीन में। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आर्मेचर रिएक्शन, अगर आर्मेचर रिएक्शन होगी तो ये हमारी MNA जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। इसीलिए हम उसको लैमिनेट करते हैं, स्पार्किंग ना हो, ठीक है ना, कोर में से करंट फ्लो ना करे उस साइड पे। तो लैमिनेट हम करके रखते हैं MNA को भी, जो कि हमारी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस है। MNA को नहीं, हमारे आर्मेचर को, आर्मेचर कंडक्टर्स। तो अभी हम आगे बात करते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। यही इफ़ेक्ट्स हैं इसकी वजह से जो आए हैं हमारे, कि हमारी जो टोटल वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गई है DC मशीन में बिकॉज ऑफ दिस। ये वीक कर देती है हमारी मेन फ्लक्स को, हमारी MNA भी शिफ्ट कर जाती है, हमारा हैवी स्पार्किंग होती है कम्यूटेटर में, और ये हमारी जो मेन EMF है जो जनरेट हुई है वो भी वीक हो जाती है इसकी वजह से। तो ये सारे हमारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट हमारे पड़ता है। तो नेक्स्ट हम कम्यूटेटर की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंटरपोल्स की बात करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। ज्योति विपाल, हेलो मैम। सुनील, हेलो। सूर्यकांता, हेलो। हाँ जी, रेगुलर क्लास होती है सुनील मेहर जी। वीक में हम एक क्लास लेते हैं, एक लेक्चर लेते हैं। जो कि स्किल बुक के चैनल पे है। बाकी की मेरी वीडियोस जो हैं वो स्किल बुक के चैनल पे पड़ी हैं, आप देख सकते हो स्किल बुक के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन के सेकंड ईयर की वीडियोस और देख सकें। तो आज हमने जो टॉपिक किया है वो है आर्मेचर रिएक्शन, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या हार्म पहुंचता है हमारी मशीन को आर्मेचर के इफ़ेक्ट्स की वजह से। और अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में जो कवर करेंगे वो करेंगे इंटरपोल्स। इंटरपोल्स क्या होते हैं, कम्यूटेटर क्या होता है, क्या वर्किंग रहती है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनका। थैंक यू सो मच।